अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सबके ठीक ठाक है? आज सारी हमें बताया कि जी कि हम लोग किधर आए हुए हैं, बताओ उस बारी जी। अपना कुदरत तो गठिया पे है। क्या बोले? कुदरत तो गठिया पे आए हुए हैं। ठीक है, गली गांव में इसका है। गली गांव में जी सर। और ये फेज 8 के अंदर ही है? जी सर, ये फेज 8 के अंदर है। और ये लोकेशन क्या है सारी? ये गली गांव है जी सर। ये गली गांव है और साथ इसके जितना अपना देखे वहाँ खाने वाले भी इधर है, उसको भी पकड़ेंगे। खाने वाले पे तो हमारा पहला काम होता है। और इसके करीब कौन सा ब्लॉक लगता है बैरिया का? सर जी अली ब्लॉक लगता है। अली ब्लॉक लगता है जी। ठीक हो गया, चल अंदर लेकर चल। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है खान साहब? ठीक ठाक है, खैरियत से? तबीयत से ठीक है, सब खैर खैरियत है। ओए सुपारी, दरवाजा बंद कर दिए। सर माजरत, आप लोगों को तकलीफ दी है। खैर खैरियत से? तबीयत से ठीक है आप लोगों की? छोटू आजा आजा, आगे आजा। पठानों के बच्चे तो वैसे ही सोने होते हैं। आजा आजा आजा, ले ले ले। सुपारी कुर्सी इधर कर दी, एक कुर्सी इधर कर दी, और ये टेबल थोड़ी देर के लिए टाल लेंगे वाला। मेहरबानी, माजरत माजरत खान साहब, आपको तकलीफ थोड़ी सी दे रहा हूँ। आजा आजा साथ आजा, कोई तेरा होना जरूरी है। अच्छा जी, सुनाए जी खान साहब, ठीक है? तबीयत से ठीक है आपकी? सब खैर खैरियत है। अच्छा, पहले तो अपना पूरा नाम बताए ना जी। मेरा नाम है खलीलुल्ला। ठीक है, खलील जी नाम के साथ हमें पुकारते हैं। और रहने वाले किधर के खलील साहब? हम लकी मरवत के। अच्छा, लकी मरवत के। लकी मरवत के। और ये भाई? ये भाई अब्दुल रशीद है। ठीक है, नवा बंदा आया, मुंशी है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। एक दिन कोई डेम्पर वगैरह आता है, रेत बजरी डेम्पर जो भी सीमेंट वगैरह ये साइड पे उतारता है ना। ठीक हो गया, ये काम है इसका। तो खान साहब ये पठान दुमे शुमे बड़े शौक से करते हैं, जान आती है तो जरा जान मार के बोलना भी है। ठीक है, ऊंचा सही ऊंचा, क्योंकि इजी हो के। ये अभी टीवी में नहीं चढ़ा, सही सही, ये आप इजाजत से ही आगे सारा चढ़ेगा। ठीक है, इजी रिलैक्स जैसे हम खड़े गए, उसको अभी आदत हो गई, वरना शुरू में उसके भी पसीने निकल देते। अब ठीक है वो। अच्छा, ये छोटू का क्या नाम है? ये तो मोहम्मद अफनान। सही बोले, अफनान नाम है, ये भतीजा है। अच्छा माशाल्लाह, ये तो हमारा लाडला है। अच्छा लाडला है अफनान, संगे खैर दे। अच्छा, पंजाबियों को इतना पसंद है भाई का जो बेटा है ना। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, चले चले बहुत। ये तो एक अच्छी गपशप होगी अजी साहब। अब काइंडली मुझे ये बताएं कि कितना अर्सा हो गया माशाल्लाह आपको ये बिल्डिंग मटेरियल में? ये तकरीबन हम आए हैं तकरीबन 2015 में आए हैं। अच्छा 2015 में आए हैं? 2015 में शुरुआत किया था। ठीक है, उसके बाद जो अभी तक लगे हैं बस। अच्छा माशाल्लाह, नहीं पूरे अल्लाह के शुक्र है जी। बैरिया में अल्लाह आप लोगों को और इज्जत दे, बैरिया में भी और बैरिया से बाहर भी बड़ा अच्छा काम है। और हमारा बेसिकली पर्पस ये है कि मटेरियल सारे लोग देते हैं, पर हर बंदा नहीं होता जिसके साथ आपका एक एतमाद बन जाए। हमें भी हाथ पढ़े, आपको भी पता होगा, ये भी जिंदा मिसाल खड़ी है, सबको पढ़ते हैं। हाथ पढ़ते हैं तो आप सीखते हैं उससे। ठीक हो गया, हमारा भी यही कोशिश होता है ना कि हम जितना भी जल्दी मटेरियल टाइम पे पहुंचा दें। हाँ, बंदे को सबसे बड़ी चीज यही होती है, बिल्कुल एक चीज बंदे को टाइम पे आ जाए और पूरा आ जाए, पूरा आ जाए जो है ना। दूसरे काम बहुत है इस चीज का, में जो है ना बहुत सख्ती से लड़कों को कहते हैं टाइम पे कोई भी चीज होना, ऑर्डर आता है सीधा टाइम पे, इसलिए 300 रखा है। अच्छा माशाल्लाह, आप लोगों की अपनी जाती जाती दो ट्रैक्टर रखे हैं, मिसाल के तौर किसी का इमरजेंसी हो, बराई में कम हो जाए रेत बजरी, ठीक है जल्दी फौरन पहुंच जाए, तो यानी काम कम रोकते नहीं किसी का। नहीं, ये देखे ना, अभी मुझे आज 200 सीमेंट की जरूरत है, आप हफ्ते बाद भिजवा रहे हो, मेरा तो हफ्ता क्या, मुझे तो उस हफ्ते का कोई फायदा नहीं हुआ ना। तो आप लोगों को मैं जानता तो बड़े अरसे से हूँ, नाम सुनावे, पर काम का कभी मुझे इतना, अभी हमें अल्लाह का शुक्र है टाइम हो गया, तो ये ठेकेदार साहब खड़े हैं साथ सुपारी खान, इसके तवसल से मैं फिर आप लोगों की तरफ हुआ, और अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा तजर्बा है, बहुत अच्छा तजर्बा है। ये तो ही जैसे भाई की टाउन होता है ना। नहीं, मुझे पता चले आपने इसको 1-5 भी गिफ्ट किया, कमीशन वमीशन भी बनाई। नहीं, वो मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, देते नहीं लेते जी, वो तो पठानों का मुझे पता है। ये खूबी है कि माल पूरा देते हैं। अच्छा माल पूरा देते हैं, ये समझा माल पूरा क्या देते हैं? डंपर है ना, एक बार चेक करते हैं, लोग डाला मारते हैं, ये माल कम होता थोड़ा, नहीं इनका माल बाड़ी के बराबर होता है पूरा होता है। इसको थोड़ा आसान उसमें समझा कि एक अगर डंपर आता है जैसे रेत और बजरी का, तो लोग 8 सैकड़े के पैसे लेते हैं। 8 सैकड़े के पैसे लेते हैं जी, 7.5 सैकड़े माल निकलता है, 7 सैकड़े
और इनका माल 8 सैकड़े पैसे दिए तो 8 सैकड़े माल होगा। अच्छा, मतलब सैकड़ा आपका पूरा होता है, सैकड़े में नाप तोल में कमी नहीं होती। अच्छा माशाल्लाह, तो ये किस मतलब जो ये डेम्पर के साइज से फर्क पड़ता है या ये फिर आपकी ईमानदारी के ऊपर है? सर ये आपकी ईमानदारी के ऊपर है। अच्छा, कि आप तकरीबन फुट कम रखते हैं, ठीक है, जो बराबर लेवल होते हैं उससे बराबर होता है, कई बार फरमाइश की है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसा होते हैं ना, नए बंदे आते हैं तो उसको रेट का लालच देके तो वो बेचारे मजबूर होते हैं, क्या करें, उसमें नुकसान होते हैं उन लोगों को। अच्छा, इसलिए अच्छा, हम रेट का लालच करते नहीं, ठीक हो, चीज पूरा देते हैं और अच्छा देते हैं और रेट भी देते हैं ताकि क्लाइंट भी आपसे खुश रहे, ठेकेदार भी खुश रहे, बिल्डर भी खुश रहे। अच्छा खान साहब, आपके माशाल्लाह भाई भी हैं, कुदरतुल्ला साहब है जी जी, वो आज रिमांड लेने तो हम उनका आए थे, पर नसीबों में आपके साथ लिखा था, उनको भी आगे पकड़ेंगे हम इंशाल्लाह। तो मुझे ये अर्ज करें कि मैं चले हम बिल्डर हैं, कोई कॉन्ट्रेक्टर आता है, बिल्डर आता है, वो एक और चीज है, पर अगर एक रैंडम बंदा जो अपना एक घर बना रहे जिसे कोई तजर्बा नहीं है, जो इस वीडियो के जरिए या किसी भी जरिए से उसको आप लोगों का पता चलता है, तो आप लोग उसके साथ कितने हद तक कोऑपरेट करेंगे? मतलब कहने का पूछने का मेरा ये मकसद है कि आप उसको डिस्काउंट वगैरह होता है या आप लोगों का एक फिक्स रेट होता है, ये सिर्फ मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन ले। हमारा अक्सर ज्यादातर ये कोशिश होता है कि हम आप दूसरा भाई है जो भी नवा बंदा है, ठीक है, सबके साथ हमारा अक्सर एक ही रेट होता है। अच्छा, एक ही रेट होता है, ताकि जो ना हम फर्क नहीं डालते। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, इसलिए ताकि नवा बंदा है उस बेचारे को नहीं पता होता इस चीज होगा ना, ठीक है, तो हम सारों को एक ही रेट देते हैं। अच्छा, एक ही रेट और डिस्काउंट वाला। और खान साहब, रोजाना हमारा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 3 गाड़ी सीमेंट आता है। अच्छा माशाल्लाह, आते हैं क्वाड, बेस्टवे। अच्छा अच्छा अच्छा, कभी लकी कभी दीवान, ठीक हो गया, ये 4 जो है ना कंपनी हम चलाते हैं। अच्छा माशाल्लाह, और ना कि सीमेंट में कोई फर्क नहीं है। अब इस तरफ हम ज्यादातर बेस्ट पे चलता है, ठीक है, बेस्ट पे लोगों का जहन बना है ना कि यार बेस्ट पे अच्छा सीमेंट है, फलाना है, हालांकि फर्क कोई नहीं है सीमेंट में, बस ये रेट का फर्क है 10 रुपए। हम इसलिए बेस्ट पे दूसरे से महंगा चलाते हैं, और जो लकी है, क्वाट है, दीवान है, ये 10 रुपए नीचे होता है। अगर रशीद भाई खुला बोले, कुछ सुनवाने की जरूरत नहीं है, दिल खुल बता रहा हूँ कि इसमें जो है थोड़ा ज्यादा 19-20 फर्क होगा, 19-20 फर्क होगा, 19-20 फर्क। तो आजी साहब, ये मुझे अर्ज कीजिएगा कि अभी आप लोगों का जो बिल्डिंग मटेरियल है इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें हम रेत, बजरी में ये मेन चीज है, ईंट वगैरह और सीमेंट ना, ये बड़े मेन चीज है, रेत, बजरी, सीमेंट, और ईंट, ठीक है, ये मेन चीज है। इसमें हमारे पास चिप्स भी होता है, तड़ा होता है, गेड़ा होता है, अच्छा अच्छा, साका भी होता है, ठीक है, और जो चिप्स की पट्टी भी होता है, बॉन्ड भी होता है, अच्छा अच्छा अच्छा, टायर लगाने वाला बॉन्ड होता है, बेस्ट वे का क्या नाम है, एक्सट्रीम। अच्छा अच्छा, सारी मतलब सारी माशाल्लाह आपने वैरायटी रखी हुई है, सारे वैरायटी। तो रेत और बजरी किधर से लाते हैं? ये रेत आता है लारनसपुर से। अच्छा ठीक है, बजरी जो होता है ना, ये आते हैं पत्थरगढ़, ये अब तो पहले मरगले का पत्थर बहुत मशहूर था। अच्छा ठीक है, अब वो मार्केट तो तकरीबन 4-5 साल से बंद है। अच्छा, अच्छा हुआ हुआ है ना। अच्छा 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 अच्छा, 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 अच्छा। अब कचमोड़ से आते हैं और अतिया से आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, और जो ईंटे, ईंटों में इस टाइम अच्छी ईंटे कौन सी चल रही है और क्या उनका सिस्टम है, किधर से आती है ईंटे? तो इधर लोग पेशावर को पसंद करते हैं। अच्छा, क्या मार्का नंबर है उसका? उसका PR1 है, 333 है, ठीक है। इसका साइज बड़ा होता है, पका इसका जो है ना बेहतरीन होता है ना, ये पेशावर की, ये पेशावर की है। और चकवाल की यही चलता है, चकवाल। अच्छा, वाले भी, अब पेशावर वाले जो लोग है ना वो चकवाल में भी गए है ना, ठीक है, तो अब उधर का भी ईंट जो है ना पेशावर वाले की तरह होता है। अच्छा, तो अच्छा, भी इधर जो है ना बहुत चलता है। अच्छा, अच्छी ईंट है उनकी भी। उसका इधर ये होता है कि किराया में जो है ना तकरीबन को थोड़ा फर्क है, ठीक है, तो 5-6 हजार 10 हजार जो है ना ये ईंट सस्ता पड़ता है, सस्ता पड़ जाता है। और सीमेंट में, अच्छा, और सीमेंट आपके पास कौन कौन सी कंपनीज आती है? सीमेंट में हमारा बेस्ट वे, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे बेस्ट वे आता है, ठीक है, दूसरा लकी आता है, ठीक है, क्वाट, ठीक है, और दीवान। अच्छा, दीवान भी। अच्छा, सारे माशाल्लाह मतलब अच्छे सीमेंट है, अच्छे सीमेंट है। तो खान साहब, इंशाल्लाह आपके जो दूसरे भाई हैं उनके साथ बैठ के हम रेट शेड की बात करेंगे। तो अभी आप मुझे ये बताएं कि बेसिकली आपसे जो मिलने का और इधर आने का मकसद था वो ये था कि ये सिर्फ एक दफा आने का मकसद नहीं है। देखिए, हालात जिस तरह मुल्क के चल रहे हैं, रोज रेट्स कभी बढ़ रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं, ठीक है। सीमेंट का जो है ना, सीमेंट का हम जिस कोई बंदे को भी रेट देते हैं उसको हम देते हैं कि आज का रेट है ये, ठीक है, सीमेंट ऊपर नीचे जाते हैं, सीमेंट ऊपर नीचे जाता है, कभी ऊपर चढ़ जाता है इस हफ्ते में, ठीक है, एक बार ऊपर चला गया, दो बार नीचे आ गया। ये देखो, एक हफ्ते में 3 दफा जो है ना रेट ऊपर चला। ये इस चीज का आपने खान साहब जहन में रखना है कि जब ऐसी कोई चेंज आए ना, जैसे फर्ज करें अगर अभी आपका सीमेंट फर्ज करें 1000 रुपया चल रहा है और सीमेंट 900 हो जाता है,
या 850 हो जाते हैं, जरा ज्यादा सस्ता हो जाता है। तो ये आपने एक कॉल करके मुझे लाजमी बता देना है, मैं इंशाल्लाह आपकी तरफ आऊंगा ताकि लोगों तक ये बात पहुंच जाए कि यार कि अब सीमेंट थोड़ा सा सस्ता हुआ है, ताकि जिन लोगों को इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि आप लोगों का माशाल्लाह बिजनेस ये इस रूम तक ये नॉलेज पहुंच जाए। हमारा कोशिश ये होता है ना कि जैसे ही कम होते हैं हम सबको जो है इतला दें, ठीक है, लेकिन फिर जो है ना रह जाते हैं ना वो काम मैं कर दूंगा। जब भी महंगा होता है ना, कोई भी बंदा ऑर्डर देता है, पहले उसको खबर देते हैं कि आप मार्केट में रेट ले सकते हो, ये रेट अब आजकल हो गया, बस अब आपने रेट बढ़ गया, बेगम कम होता है, किसी को पता, आपको भी नहीं, किसी को भी पता नहीं होता, हम खुद कम लिखते हैं। अच्छा अच्छा, कोई चीज जाता है ठीक है, उधर ऑटोमेटिकली जो ना खाते में कम आ जाता है, खाते में कम हो जाता है, वो सिस्टम उसके उस लिहाज से एडजस्ट हो जाता है। लेकिन जब बढ़ता है हमारा, फिर जो है ना फर्ज है कि मैं उसको खबर कर देखूं, क्योंकि उसको नहीं पता है कि रेट बढ़ गया, फिर वो भी पूछ सकता है। अब वो काम भी हम सबको जो ना इतला देते हैं, और मुझे भी अब इतला देनी है, ठीक है, ताकि चैनल के थ्रू भी सारों तक ये नॉलेज पहुंचे। और जब भी कोई बिल्डिंग से मटेरियल से रिलेटेड आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है तो आपने लाजमी हमें तकलीफ देनी है, हम आएंगे और इंशाल्लाह आपकी जो भी अपडेट आपके पास होंगी वो हम लोगों के साथ। हाँ तो सर कुछ होता है, सतार भाई हमारे पास आते हैं ना आपकी हाँ, तरफ से हाँ, सतार भाई को हम बताते हैं। हाँ नहीं, ये तो मेहरबानी है आपकी, ये मुझे नहीं बताता पर आपकी मेहरबानी है, मैं नहीं बताता, बताता मजाक कर रहा हूं। भाई बहुत जो ना मेहनत करते हैं, मेहनत लड़के हैं, जिस भी काम किया हमें जो ना हर बंदा इसका तारीफ करते हैं। हाँ नहीं, ये इस वजह से हमारा भी सतार भाई से लगता है। हाँ, ये आधी मेहनत कर जाते हैं, ठेकेदार बहुत आते हैं, लेकिन हाँ, सतार भाई अच्छा बंदा है। नहीं नहीं, अच्छा बंदा, अल्लाह का शुक्र है, मुझे समझ आ गया आप दोनों की जितनी सेटिंग हुई भी है, अल्लाह इसी तरह कायम रखे। तो खान साहब बहुत मेहरबानी, आपने टाइम दिया, ठीक है, और आपका अगर नंबर डाल दे तो आपको कोई इशू तो नहीं होगा? नहीं नहीं, डाल दे, आपकी इजाजत है, भाई का भी डाल दे, मेरा भी सर सबका डालेंगे, उसको लेदर डालेंगे, आपको जो है ना कोई चीज जरूरत हो हम तवेदार हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जिधर भी हो पूरे और पिंडी इस्लामाबाद में। सर बेगम हो जाए, जिधर आप कहेंगे पहाड़ों तक मुझे पता है आप लोगों की रसाई है, आप पहुंचा देंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया खान साहब, आपके साथ मुलाकात होती रहेगी, और बस आपने ये जहन में रखना है कि जब भी आपके पास कोई नई अपडेट है तो आपने हमें लाजमी बताना है, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया आजी साहब, बहुत शुक्रिया रशीद भाई, ठीक है, सुपारी ठेकेदार साहब, और छोटू ओका अफनान, अच्छा अफनान, ठीक है खान साहब, बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह।